गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस लेक्चर एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. टॉपिक इज़ गोइंग ऑन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बाय पार्टी सिस्टम. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाय पार्टी सिस्टम. एज यू ऑल नो, बाय पार्टी मीन्स टू पार्टीज. तो डेफिनेशन ऑफ बाय पार्टी सिस्टम इज़, बाय पार्टी सिस्टम डजेंट मीन डैट अ पर्टिकुलर कंट्री हैज़ ओनली टू पार्टीज एंड देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन इट. इट मीन्स देयर आर ओनली टू मेजर पार्टीज एंड द रेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज आर लेस इम्पॉर्टेंट. बाय पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन जो यहाँ पे मिली है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में बाय पार्टी सिस्टम होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है. बल्कि बाय पार्टी सिस्टम का मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट ये है कि टू मेजर पार्टीज़ जो पॉलिटिक्स में दो मेजर पार्टीज़ हैं तो जिनका एक स्टेटस अलग से है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और रेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज़ जो बाकी पार्टीज़ हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी वो दो पार्टीज़ की हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर बाय पार्टी सिस्टम. तो इस टॉपिक में हमने बाय पार्टी सिस्टम को जो है करना, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने हिस्ट्री रिविजिटेड जो करनी है कि हाउ पॉलिटिकल पार्टी प्रोसीड इन 1977 लोकसभा इलेक्शंस. लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा सिस्टम था, लास्ट टॉपिक में हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि इन द टाइम पीरियड ऑफ 1952, 1957 एंड 1962 देर वॉज अ डोमिनेंस और डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स. सो आफ्टर इन द टाइम पीरियड ऑफ 1977 टू 1980 जनता अलायंस जो थी, जनता पार्टी जो थी, वो सामने आई. और इस तरह जो कांग्रेस की डोमिनेशन लगातार जो है फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन से चली आ रही थी, उसकी डोमिनेशन धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई दी. तो ये बाय पार्टी सिस्टम जो है इसमें टॉपिक में हमने स्टडी करना है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो था डैट वॉज़ वेरी शॉर्ट इन द 1977 टू 1980, जिसमें बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी जो कांग्रेस की डोमिनेशन को, एक परिवारवाद को, एक नेपोटिज्म को ख़त्म करना चाहते थे. तो उसके लिए जो यहाँ पे जनता अलायंस जो थी, बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने अलायंस बनाया, उन्होंने गठजोड़ किया और कांग्रेस के खिलाफ जो हैं वो सामने खड़े हो गए. तो लेट अस स्टार्ट. सिंस 1951 टू 52 when the Congress won the first Lok Sabha election in the independent India, its power has been fairly unchallenged. तो 1951 से लेके लगातार जो है 1962 तक जो है कांग्रेस की पावर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ चुकी थी कि कोई भी उसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता था. इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो लोग कह रहे हैं कि डोंट नो ऑल डैट सर बट आई एम वोटिंग फॉर डैट मैन, कि नेहरू के नाम के ऊपर ही, चाहे कांग्रेस में कोई भी जो है उस वक्त पॉलिटिशियन हो वो मैटर नहीं करता था, लेकिन उस वक्त नेहरू के नाम के ऊपर जो है वो कांग्रेस चल रही थी. और लोग जो हैं यहाँ पे देखो पिक्चर में जो एक फ़नी कार्टून बना हुआ है, तो वो बोल रहा है मुझे नहीं पता कि वो पॉलिटिशियन कौन है और वो कैसा काम करेगा, सिर्फ मुझे उस आदमी के नाम के ऊपर जो है वो मैं वोट दे रहा हूँ. तो इस तरह नेहरू के नाम के ऊपर जो है वो परिवारवाद, जो नेपोटिज्म है वो लगातार चल रहा था, और इंदिरा गांधी जो है वो लगातार जो है इस पॉलिटिक्स में जीत रही थी. तो अगर पार्टी जो है 1967 में कांग्रेस में जो है वो सप्लिशन भी हो गया, ठीक है, बंटवारा भी हो गया, लेकिन कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसको चैलेंज नहीं कर सकती थी. लेकिन 1977 की लोकसभा इलेक्शंस की जो स्टोरी थी इससे बिल्कुल अलग थी. 1971 में इंदिरा गांधी जो थी वो पूरी कॉन्फिडेंट थी हर अपनी जो विक्ट्री को लेकर, अपनी जीत को लेकर, जिस कारण उसने मिड टर्म इलेक्शंस करवा दिए और वो अपने जो है इसमें जो है राइट प्रूव हुई और वो दोबारा जीत के, जो एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीत के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए. तो ऐसे वो अपनी विक्ट्री के बारे, अपनी जीत के बारे में सोचती थी, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई तो उसने 1977 में मिड टर्म इलेक्शंस दोबारा से करवा दिए. लेकिन इस वक्त वो एंटायरली जो है वो रॉन्ग प्रूव हुई, बिकॉज जब रिजल्ट आए तो उसको जो है एक क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा, एक बहुत बुरी जो है उसको हार का सामना करना पड़ा. बिकॉज ऑफ द रीजन जनता अलायंस जो थी, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज थी, हैड कम टूगेदर विद द सोल ऑब्जेक्टिव, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग एन एंड टू द कांग्रेस डोमिनेशन.
इस तरह फिफ्थ लोकसभा जो थी इस तरह 1976 में जो है वो डिसॉल्व हो गई, और उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो है एमरजेंसी जो है कंट्री के ऊपर 1975 में जो है इम्पोज कर दी थी 25th जो है जैन। तो इस तरह एमरजेंसी जो है लगातार 21 मंथ्स के बाद जो है वो ख़त्म कर दी गई, और इस तरह वोटिंग इलेक्शंस जो थे बाद में मार्च 16 और 1977 में दोबारा से रखवाए गए। इंदिरा गांधी के डोमिनेशन और अथॉरिटेरियन जो रूल था उस वक्त एमरजेंसी, उसमें नॉन ऑपोजिशन जो उसकी कम्युनिस्ट ऑपोजिशन पार्टीज थी उसमें ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन कांग्रेस थी, भारतीय जनसंघ था, भारतीय लोकदल था, सोशलिस्ट पार्टी थी, और ये सारे जो हैं कांग्रेस की डोमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे और वो एक आपस में मिलकर एक सिंगल पार्टी के रूप में जिसको बोला गया था कंबाइंड पार्टी वॉज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज अ जनता पार्टी, जनता अलायंस के रूप में इनको बोला गया। और ये पार्टीज थी भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और ऑपोजिशन कांग्रेस, और ये सारी पार्टीज जो हैं वो मिलके एक सिंगल पार्टी के रूप में सामने आई। इनका अलायंस जो था उसको जनता पार्टी के नाम से जाना गया। तो इस तरह जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया के इतिहास में, इंडिया के पॉलिटिक्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस को जो है पूरी मेजॉरिटी के साथ जो है वो लोकसभा में जो है वो हारना पड़ा, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली और उसकी बड़ी बुरी तरह जो है वो इसमें हार हुई जनता पार्टी जो थी। इस तरह एंड द जनता पार्टी एमर्ज ट्राइम्फेंट अचीव्ड विक्ट्री, ट्राइम्फेंट मीन्स डैट मीन्स उसने बड़े अच्छे से जो है जीत प्राप्त की विद द लैंडस्लाइड विक्ट्री विनिंग 295 ऑफ द 405 सीट्स को लेके। तो नेक्स्ट वन है जनता पार्टी जो है भारतीय लोकदल के सिंबल से जो है उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ जो है लड़ी, और फर्स्ट टाइम जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो बनी और उस वक्त मुरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरह जो मुरारजी देसाई थे वो पहले इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जाने गए और बने थे, और वो एक बड़े फेमस लीडर थे, लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। और जब एमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी ने ड्यूरिंग हर प्राइम मिनिस्टर जो रूल उस वक्त उसका चल रहा था, तो उसने जो उस वक्त एमरजेंसी लगाई थी, तो उस वक्त मुरारजी देसाई जो है वो लगातार नियरली अबाउट 2 मंथ्स जो थे वो जेल में रहे थे। यहाँ पे ये सारी जो है कॉम्पोजिशन आपको दिखाई गई है कि 1977 के इलेक्शंस में जनता पार्टी जो है उसने आंध्र प्रदेश में एक सीट ली। देखो नॉर्थ और साउथ में जो है लगातार देखो जनता पार्टी ने जो है 295 के सीट्स के साथ जो है मेजॉरिटी हासिल करके जीत प्राप्त की, और यहाँ पे जो कांग्रेस थी 1977 के इलेक्शंस में उसको टोटल जो है सीट जो है इंडिया में 154 मिली। तो मोस्टली नॉर्थ और साउथ का जो हम देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट था। जो नॉर्थ में जो था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स मिली वो मिली भारतीय जनदल को। इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, यूपी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश द पार्टी कुडंट इवन विन अ सिंगल सीट। तो नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स थी बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को इवन एक सिंगल सीट नहीं मिली। यूपी जो कि एक बिगेस्ट स्टेट जो था लोकसभा सीट्स में जिसमें कांग्रेस का जो एक होल्ड था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन में देखा जाए तो 1977 में उसको जो है नॉर्थ की स्टेट्स में ज़्यादा सीट्स हासिल नहीं हुई। लेकिन साउथ में जो था कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया, और मोस्टली जितनी भी जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जितनी भी 154 सीट्स हुई वो ज़्यादातर उसको साउथ स्टेट्स में से मिली। इस तरह जनता पार्टी ने जो था वो इलेक्शंस में लड़े, और मोस्टली जो मेन इश्यूज उठाए उस वक्त वो था कि डोमेस्टिक जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो थी वो सामने आई। तो एमरजेंसी के दौरान 1975 में जो एक जैसे संजय गांधी ने जो है परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जिसको स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है, जो उस वक्त नसबंदी लगातार ज़बरदस्ती लोगों की गई थी, तो उसको भी एक मेन इशू बनाया गया। तो इस तरह कांग्रेस की जो है एक ग्रेट फेलियर के दौरान जो है एमरजेंसी को भी एक मुद्दा बनाया गया, और मुरारजी देसाई जो थे वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने 24th ऑफ मार्च जो था अपने ऑफिस को संभाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है की पॉइंट्स जो नोट है रीजंस ऑफ फॉर एमरजेंसी, अब आप एमरजेंसी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक बार स्टडी करवा देती हूँ कि 1975 में जो एमरजेंसी उस वक्त इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड दौरान 1975 में, तो सबसे पहले था कि रीजंस फॉर एमरजेंसी जो था इसमें मेन जो था उस वक्त रूल था इंदिरा गांधी का था। तो 12 जून 1975 को 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था तो उन्होंने मेन जो मुद्दा उठाया
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कन्विक्ट किया कि इंदिरा गांधी जो है वो जो है धोखाधड़ी से जो है अभी तक जो है वो इलेक्शंस में अपने जो इलेक्टेड पोस्ट के जरिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस बार बनी है, जिस कानून को 6 ईयर के लिए जो है वो उसकी इलेक्टेड पोस्ट के लिए उसको बैन कर दिया गया कि वो 6 साल के लिए नेक्स्ट जो है वो इलेक्शंस में नहीं खड़ी हो सकती। तो ये केस जो था वो फाइल किया गया बाय द सोशलिस्ट लीडर राज नारायण। तो उन्होंने चैलेंज किया कि 1971 में जो है जो रायबरेली लोकसभा सीट में यूपी से वो लड़ी थी, तो 1971 में जितनी भी उनकी जीत हुई है इंदिरा गांधी की, तो वो पूरी तरह से वो धोखाधड़ी से हुई है। तो देखो इस पिक्चर में भी जो है वो इमरजेंसी लगी हुई है, और इमरजेंसी के दौरान जो सामने जो है वो मिरर में अपने आप को देख रही हैं, एंड जो लिखा हुआ है आई टोल्ड यू हु वुड यू स्टैंड इन माय वे। तो मैं जो है मैंने आपको बोला था ना कि डैट मीन्स वो अपने आप को जो है बातें कर रही है इंदिरा गांधी कि मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो ये केस जो राज नारायण ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो अपना बयान दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आने वाले 6 सालों के लिए जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती, उसको बैन कर दिया गया। तो नेक्स्ट वन जो है राज नारायण ने इसके ऊपर जो बताया, और जून 18 को कांग्रेस ने दोबारा से अपील की कि इंदिरा जो है वो दोबारा से अपनी लीडरशिप जो है उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, तो जिस कारण उनको जो है पावर में रहने दिया जाना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने अपील फाइल की दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द जो है हाई कोर्ट जजमेंट। तो उस वक्त जो जस्टिस जो थे शाह कमीशन, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने जो है अपनी अपील दाखिल की, और जून 24 को जो है वो उनको एक कंडीशनल स्टे ऑर्डर दे दिया गया कि हाँ भाई वो पॉलिटिक्स में रह सकते हैं। तो इस तरह जो कोर्ट के ज़रिए उनको अलाउ किया गया कि वो पावर में दोबारा रह सकती हैं और दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। तो इसके बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 24 जून को उनको पूरी तरह से जो है परमिशन दे दी गई कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर दोबारा से जो वो रह सकती हैं। और वेरी नेक्स्ट डे 25 जून 1977 को जो है इंदिरा गांधी ने, एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 25 जून 1975, यहाँ पे टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी है। तो सेम नाइट को जो जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे तो उनको बार्स के मतलब जेल में डाल दिया गया अंडर द जो था के MIS से कि जो कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है जो 1971 को पार्लियामेंट में पास हुआ था कि वो इंटरनल जो है वो पूरी कंट्री में डिस्टरबेंसेस कर रहे हैं, लोगों को जो है वो पैम्पर कर रहे हैं, इसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह देखा जाए जो शाह कमीशन था उसके बाद इन मई 1977 को जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन जो कि जस्टिस JC शाह, जिसको शाह कमीशन बोला गया। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि एमरजेंसी जो 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी, उस वक्त प्रेस भी जो है वो साइलेंस कर दी गई थी कि प्रेस जो है मीडिया उस वक्त ड्यूरिंग दैट टाइम जो अपनी कोई भी जो चीज़ें नहीं बता सकती थी, पुलिस एक्शंस जो उस वक्त लिए गए थे, कंडीशंस जो थी जेल की, लोगों को टॉर्चर किया गया, और इंदिरा गांधी का जो सन था संजय गांधी, तो लगातार उसने जो है वो लोगों की जो स्टेरिलाइजेशन जो फोर्सफुली करवाई, नसबंदी करवाई। इस तरह कमीशन ने जो शाह कमीशन ने अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स की, तो उसने बताया कि जो इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक्सक्यूज़ दिया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो और इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से कंट्री में एमरजेंसी लगाई गई, तो ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त, किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं चल रहा था, नो क्राइसिस ऑफ लॉ था, और लगातार जो इस तरह का एक्सट्रीम मेजर जो उनको चाहिए था वो एमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी। इस तरह शाह कमीशन ने ये सारा जो अपनी रिपोर्ट दी। तो इस तरह इंदिरा गांधी ने उस वक्त अपने आप को डिफेंड करते हुए मीडिया के सामने एक जो टेलीविज़न इंटरव्यू में 1978 में बोला गया था कि उसको इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं जो उसने बनाए वो एमरजेंसी के लिए एमरजेंसी उस वक्त लगनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस देश को मिल रहे थे, और लगातार जो शाह कमीशन ने उनको वो ब्लेम किया, तो वो कम्प्लीटली वन साइडेड है, और वो अपोजिशन पार्टीज को बचा रहे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज और वो सारा कुछ उनके खिलाफ थे। और नेक्स्ट वन
तो नेक्स्ट इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी के जो सन थे संजय गांधी, तो उस वक्त जो इंदिरा के एडवाइज़र थे उनको भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, उनको भी काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों ने। और उस वक्त वो किसी भी तरह से कोई ऑफिशियल पोस्ट को जो है वो होल्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के डिसीजन में लगातार जो है वो फिर भी दखलंदाजी कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे लगातार। उन्होंने स्टेरलाइजेशन जो नसबंदी प्रोग्राम था वो लोगों की फैमिली प्लानिंग के लिए एक इनिशिएटिव एक कदम उठाया, और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फोर्सफुली उसको करने के लिए जो है उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो था वो उसके खिलाफ छेड़ करने की। तो इस तरह इमरजेंसी के दौरान और इस तरह जो अपने एक्सेसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी के जो उन्होंने अपनी एक डोमिनेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने हाथ में करके इमरजेंसी के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी और उसकी पूरी नेपोटिज्म, उसके पूरे परिवारवाद ने जो है जो कदम उठाए, और उस वक्त इंदिरा और संजय को जो है एक बिगेस्ट सेटबैक देखना पड़ा 1977 के इलेक्शन में, और उनको लोकसभा इलेक्शन में जो है वो बड़ी बुरी तरह से हार हुई। और उस तरह 1977 के इलेक्शन में इंदिरा और कांग्रेस का जो है वो एक तरह से डोमिनेशन खत्म होते हुए नजर आई। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में जनता पार्टी, उसकी क्रिएशन और उसकी डोमिनेशन उन्होंने कांग्रेस की कैसे खत्म की, और लास्ट में जो है जनता पार्टी के जो अंदर ही पूरी डोमिनेशन जो थी वो कांग्रेस की खत्म होते हुए नजर आई, और जनता पार्टी धीरे धीरे कैसे जो है फॉल ऑफ गवर्नमेंट हुआ, और कैसे वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जो है वो अलाइन हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमरजेंसी एंड डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ये सारा उसको हमने रिविजिट कर लिया। थैंक यू।